नमस्कार साथियों, रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें याद आती हैं। पहली वहां की जिंदा जला देने वाली गर्मी और दूसरी चारों तरफ रेत ही रेत। अगर आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। सहारा इस रेगिस्तान के नीचे इतनी चीजों को छुपाए बैठा है जिनके बारे में आपने देखा तो दूर सुना तक नहीं होगा। ये है दी सहारा डिजर्ट। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका के नॉर्थ साइड पर 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका इसमें समा जाए। सहारा अपने अंदर 11 मुल्कों को समाये बैठा है। लेकिन क्या आज का तपता हुआ रेगिस्तान 11,000 साल पहले ऐसा ही था? आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से सहारा में पानी नहीं बरसता? क्या कभी सहारा भी जंगलों से भरा हुआ करता था? आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। आज के दिन सूरज के नीचे तपते इस रेगिस्तान में दिन के वक्त 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो गर्मियों में 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां पर हर साल 3 इंच से भी कम बारिश होती है। सहारा में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर कई सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। इजिप्ट, लीबिया और सूडान जैसे देशों ने तो 1998 के बाद कभी बारिश को देखा ही नहीं। यहां बारिश तो दूर आसमान में बादल तक नजर नहीं आते। ऐसी जगह जहां पर पानी की एक एक बूंद को अमृत माना जाता हो, वहां पर रहने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर 260 से भी ज्यादा किस्म के जानवर रहते हैं जिनके पास इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए हैरान कर देने वाली खूबियां हैं। इस रेगिस्तान में रेत के अलावा भी बहुत कुछ है। कुछ जगहों पर कई पहाड़ मौजूद हैं जो आम पहाड़ों से काफी अलग नजर आते हैं और खूबसूरत भी हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो इस रेगिस्तान में बारिश नहीं होती? इसकी वजह है सहारा के नॉर्थ में मौजूद एटलस के पहाड़, जो समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं को सहारा के तरफ नहीं जाने देती, जिसकी वजह से रेन शैडो इफेक्ट बन जाता है, जो बारिश ना होने की वजह है। कहा जाता है कि आज का तपता हुआ सहारा रेगिस्तान भी कभी हरा भरा हुआ करता था। 11,000 साल पहले यहाँ भी कभी हरियाली हुआ करती थी। और तो और, इस हिस्से में पानी से भरी कई झीलें मौजूद थी जहाँ पर हर किस्म के जानवर और इंसान रहा करते थे। जिसका सबूत यहाँ की गुफाओं में बनी ड्राइंग से मिलता है, जो साफ जाहिर करती है कि यहाँ पर कभी घास चरने वाले जानवर हुआ करते थे। और एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 साल बाद यहाँ पर फिर से हरियाली छा जाएगी। सहारा रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।